हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, यूपी 888 लोअर सबॉर्डिनेट का अगला टेस्ट लगाते हैं। फोकस है हिंदी ग्रामर पर। 25 प्रश्न आने हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर, इनका आंसर कर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इसमें भी 25 प्रश्नों को ही रखा गया है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दंडाधीश का अंग्रेजी अनुवाद होगा। बताइए क्या होता है दंडाधीश का अंग्रेजी अनुवाद? इसका होता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या तो इसको दंडाधीश बोल दो या मजिस्ट्रेट बोल दो, या फिर देवनागरी में ही मजिस्ट्रेट लिख दो। और यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या होता है? मैनेजमेंट का प्रबंधन। और मैनेजर का क्या होता है? मैनेजर। मैनेजर को मैनेजर या प्रबंधक। और डिप्लोमेसी, कूटनीति। डिप्लोमेसी क्या बोलते हैं? कूटनीति। चलिए, इस तरह का एक प्रश्न आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकलाइजेशन का हिंदी अनुवाद कीजिए। लोकलाइजेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? लोकलाइजेशन का हिंदी अनुवाद होता है स्थानीयकरण। क्या होता है? स्थानीयकरण। स्थानीयकरण, सरलीकरण का पता ही होगा सभी को, सिंप्लीफाई करना। और अधिवास मतलब, अधिवास मतलब डोमिसाइल। अधिवास मतलब क्या होता है? डोमिसाइल। डोमिसाइल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इकोनॉमिकल का हिंदी अनुवाद कीजिए। इकोनॉमिकल का हिंदी अनुवाद कीजिए। इकोनॉमिकल का हिंदी अनुवाद जो होगा वो होगा मितव्ययी। मितव्ययी कौन को होता है? जो कम खर्च करने वाला हो। इसके लिए एक शब्द बनेगा, कम खर्च करने वाले को। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? मितव्ययी। तो इकोनॉमिकल, मितव्ययी। अर्थव्यवस्था क्या होती है? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था होती है इकोनॉमी। और अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। वो बेदखली, बेदखली का क्या मतलब है यहाँ पर? इजेक्शन। बेदखली, इजेक्शन। EJECTION, इजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रलेख का अंग्रेजी अनुवाद होगा। प्रलेख क्या होता है? प्रलेख, देखिए, प्रलेख हो गया या दस्तावेज हो गया, ये एक ही बात है दोनों, लेकिन टफेस्ट करके वो पूछता है क्लिष्ट हिंदी वाला। तो डॉक्यूमेंट होता है प्रलेख का। और डिवीज़न का क्या होगा? भाग हो गया, विभाजन हो गया, प्रखंड हो गया, खंड हो गया। डोरमेंट का तो सभी को पता होगा, सुप्त। इसका अपोजिट क्या होता है? एक्टिव, सक्रिय। डिस्कार्ड कर देना मतलब, डिस्कार्ड कर देना मतलब निग्लेक्ट कर देना किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपस्फीति का अंग्रेजी अनुवाद होगा। अपस्फीति का अंग्रेजी अनुवाद होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अपस्फीति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? बोलिए। देखिए, इन्फ्लेशन मतलब तो मुद्रा स्फीति होता है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा स्फीति होता है। और डिडक्शन मतलब क्या होता है? निगमन। डिडक्शन मतलब होता है निगमन। तो डिफ्लेशन हो जाएगा। अपस्फीति का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन। डेफिनेशन तो पता ही होगा सबको, परिभाषा, व्याख्या। छठा प्रश्न है, जीभ जली और स्वाद भी कुछ ना आया। मुहावरे का अर्थ बताइए, इम्पोर्टेंट है ये। जीभ जली और स्वाद भी कुछ ना आया, बदनामी भी हो गई और लाभ भी कुछ ना मिल पाया। क्या हो जाएगा इसका? बदनामी भी हुई और लाभ भी कुछ ना मिल पाया। नेक्स्ट है, थोता चना बाजे घना। मुहावरे का अर्थ बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोता चना बाजे घना, क्या अर्थ है इसका? अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता है। अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता है। थोता चना बाजे घना। क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाँ देखे तवा परात वहाँ गाए सारी रात। मुहावरे का अर्थ बताइए। जहाँ देखे तवा परात वहाँ गाए सारी रात, क्या होगा इसका अर्थ? लालच में कोई काम करना। क्या हो जाएगा? लालच में कोई काम करना। जहाँ देखे तवा परात
वहाँ गाए सारी रात, लालच में कोई काम करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, तबले की बला बंदर के सिर, मुहावरे का अर्थ बताइए। तबले की बला बंदर के सिर, एक व्यक्ति पर दूसरों की बुराई बुराई भी मढ़ना, एक व्यक्ति पर दूसरों की बुराई भी मढ़ना, तबले की बला बंदर के सिर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या करना है भाई, उपरोक्त वाक्य को शुद्ध करना है, मतलब इनमें से एक शुद्ध है। यहाँ पर कोलकाता में अनेकों पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो देखिए, मैंने पहले इतनी बार बताया था कि अनेकों नहीं होता है, अनेक शुद्ध होता है। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ अनेकों है उसको एलिमिनेट करिए, यहाँ अनेकों है तो ये तो हो नहीं सकता। अब ऊपर लिखा है पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, तो देखिए पत्र और पत्रिकाओं में और लगाने की आवश्यकता क्या है, एक योजक चिन्ह से जोड़िए इसको बस। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे हमने बोला राम राम, दो शब्द लिखे, तो ये जो डैश है ना ये योजक चिन्ह है। तो अब यहाँ पे भी नहीं है योजक चिन्ह, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला यहाँ योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह है। अब देखिए, कोलकाता में अनेक पत्र पत्रिकाओं की छपाई होता है। अब ये छपाई तो चलो ठीक है, लेकिन होता है क्या, होती है, गलत कर दिया। अगर ये होती होती तो ये सही हो जाता, तो सही क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। कोलकाता में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर तीन तो शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, उसी को ढूंढना है। अपने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने गुरु पर शुद्ध है, मतलब यहाँ पर तीन अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है। अपने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, मेरे पास देश भर के समाचार मिले, मेरे पास नहीं, मुझे देश भर का समाचार मिला, ना कि के, गलत है ये। क्या हो जाएगा इसका, मुझे देश भर का समाचार मिला। सभा के हर सदस्यों की यही राय थी, सभा के हर सदस्यों की नहीं, सभा के हर सदस्य की यही राय थी, ये भी गलत है। वह दंड देने लायक है, वह दंड देने लायक नहीं है, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है, लायक नहीं है। तो पहला यहाँ पर सही है, अपने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, करेक्ट है ये। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध, सौंदर्य तो शुद्ध है यहाँ पर, प्रमाणिक होता प्रामाणिक होता है, तो प्रामाणिक ही होता है शुद्ध है ये। निर्लज शुद्ध है। कोमलांगिनी गलत है, इतनी बार बताया होगा। कोमलांगिनी सीता जी राम के साथ वन गई, गलत है ये। कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगी, कोमलांगी सीता जी राम के साथ वन गई, कोमलांगी, ना कि लांगिनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा शब्द सुत शुद्ध है। देखिए, गुप्त और रहस्य ना, जैसा उसका भेद खुल गया, उसका गुप्त रहस्य खुल गया, तो जो गुप्त है वो रहस्य ही है, अगर प्रकट हो जाएगा तो काहे का रहस्य, काहे का गुप्त। तो गुप्त और रहस्य एक साथ नहीं आता, जैसे अंग्रेजी में रिवर्स और बैक एक साथ नहीं आता ना। अब या तो भवदीय का प्रयोग करो या आपका प्रयोग करो, गलत है ये भी। नौजवान युवती भी गलत है, नौजवान युवती नहीं होता, नवयुवती होता है। क्या होता है, नवयुवती सही होगा हिंदी ग्रामर के अनुसार, प्रातःकाल शुद्ध है यहाँ पर, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से शुद्ध बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें। मेरे मन के अंदर कोई बात, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन के अंदर नहीं होगा, देखिए मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, गलत। पुस्तक को जहाँ से उठाया था वहीं रख दो होगा। मैं, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। पहली बात तो मैं, किशन और अशरफ तो तीन लोग हो गए, तो दोनों कहाँ से आ गया भाई यहाँ पर, और उसके पीछे भागेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे उसके पीछे। तो मैं, किशन और अशरफ तीनों उसके पीछे दौड़े, ना कि भागे। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह घबरा गया, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए, पहले बता चुका हूँ मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, ये पढ़ के ही पता चल जाएगा आपको। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, देखिए साधारण सिंपल सा वाक्य है तो सरल वाक्य है ये। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, ये भी सरल वाक्य है। महान अभिनेता अमिताभ बच्चन कल आए थे, कल यहाँ आए थे, ये भी सीधे ही सीधा है, सरल वाक्य है।
इस गांव का जो सरपंच है ना वह अच्छा आदमी नहीं है। ये होगा मिश्र वाक्य, ये होगा मिश्र वाक्य। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा अपना वो बी हो जाएगा, इस गांव का जो सरपंच है वह अच्छा आदमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ डैश 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 क्या मतलब है, यहाँ रसाल का क्या मतलब है। देखिए रसाल का मतलब आम होता है, रसाल का मतलब मीठा भी होता है, ईख भी होता है, तीता नहीं होता है। तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ भूत का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर भूत का मतलब क्या होता है। भूत का मतलब प्रेत भी होता है, बीता हुआ समय भी होता है, पंचभूत भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा भूत का मतलब। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ बर का क्या मतलब है, बर वर का क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए वर का मतलब बारात भी होता है, वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, कपास नहीं होता है, भवन नहीं होता है, वाटिका नहीं होता है। तो वर के कौन कौन से मतलब हो गए, एक तो श्रेष्ठ हो गया वर का मतलब, और क्या हो गया वर का मतलब, दूल्हा भी होता है वर का मतलब। वर का मतलब क्या होता है, दूल्हा भी होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हर का क्या मतलब है, हर हर का मतलब विष्णु नहीं होता है, योगी नहीं होता है, घोड़ा नहीं होता। हर का मतलब होता है हरण करने वाला, हर का मतलब होता है हरण करने वाला। और हर का मतलब और क्या हो सकता है, शिव हो सकता है हर का मतलब। चलिए हंस का मतलब बताइए क्या होता है, हंस का मतलब, हंस का मतलब देखिए सूर्य भी होता है हंस का मतलब, और परमात्मा भी होता है हंस का मतलब, योगी भी होता है हंस का मतलब, ये सभी होता है हंस का मतलब। इसके अलावा श्वेत भी हंस का मतलब होता है, और मराल भी हंस का मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वृक्ष का क्या अर्थ है, वृक्ष वृक्ष का अर्थ रूठना नहीं होगा, वृक्ष का अर्थ घमंड भी नहीं होगा, बादल भी नहीं होगा, वृक्ष का अर्थ होगा नीरस। वृक्ष का अर्थ होता है नीरस होता है, और पेड़ होता है वृक्ष का अर्थ। चलिए वेदों को मनुष्य की पांच अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, वेदों में मनुष्य की पांच अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, इनमें से कौन सी नहीं है। जो हमारा शरीर बना है ना, शरीर नहीं बना सॉरी, वेदों में मनुष्य की पांच अवस्थाओं के बारे में बताया, हाँ जो शरीर ही है हमारा, मतलब जिन जिन अवस्थाओं से गुजरता है, तो कौन सी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो कौन सी आती है, बाल्यावस्था आती है, उसके बाद कुमार अवस्था आती है, तरुण किशोर, मुद्रा अवस्था नहीं है यहाँ पर, गलत है ये। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हमारी आपकी, सबसे शुरू बात कहाँ से होती है, बचपन से, मतलब बाल्यावस्था आएगी सबसे पहले। उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम कुमार अवस्था आएगी, फिर हम और बड़े होते हैं किशोर अवस्था में चले जाते हैं, किशोर अवस्था। उसके बाद हमारी तरुण अवस्था आती है, फिर हम क्या होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, तो वृद्धावस्था आती है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, जो नहीं थी वो मुद्रा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांच तत्व में कौन शामिल नहीं है। जो पांच तत्वों से बना है ना शरीर, तो पृथ्वी से बना है, अग्नि से बना है, जल से, आकाश से, पाताल से नहीं बना है। तो तीन तत्व तो ये हैं, इसके अलावा और कौन बचा, वायु बची, और कौन सी बची, अग्नि बची। तो अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, पाताल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पांच देवों में कौन शामिल नहीं है। देखिए पांच देवों में कौन शामिल नहीं होगा, पांच देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, चार तो यही हो गए। तो विष्णु हो गए, महेश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, और एक हैं दुर्गा भी इसमें शामिल है, पार्वती नहीं है। तो ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु, महेश, गणेश और हैं दुर्गा, इनमें आती हैं। इन चार पुरुष वर्ग में एक स्त्री को भी शामिल किया गया, देवी को, इन पांच देवों में, जिनका नाम है दुर्गा। अब देवियों के नाम भी बता दूं,
पांच अलग से जो देवियां हैं उनके नाम भी याद रखिए, दुर्गा, लक्ष्मी, राधा, सरस्वती और साकंभरी। कौन सी? दुर्गा, लक्ष्मी, राधा, सरस्वती और साकंभरी। साकंभरी याद रखना। अंतिम प्रश्न है, चार फल में कौन शामिल नहीं है? देखिए, चार फल में कौन शामिल नहीं है? चार फल में अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध फल नहीं है, क्रोध शत्रु में शामिल है। क्रोध जो है ना, चार शत्रु में शामिल है। यहाँ पर काम भी शत्रु में शामिल है, लेकिन काम को फल में भी शामिल किया गया है। काम को जो है वो फल में भी शामिल किया गया है। तो चार फल कौन कौन से हैं? मोक्ष, अर्थ, काम, लेकिन क्रोध नहीं है। और इसके अलावा जो बचा, चार फल में अर्थ धर्म भी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये हैं चार फल। अब चार शत्रुओं के बारे में बता दें, चार शत्रु हैं काम, क्रोध, और कौन सा? लोभ, मोह, ये आपके चार शत्रु हैं। अब इन चार शत्रुओं में से इस काम को फल में भी रखा गया है, याद रखिएगा। चार नीतियाँ भी याद रखिए, साम दाम दंड भेद, चार नीतियाँ साम दाम दंड भेद। चलिए, तो 25 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, एक भी पूछा गया तो लाभ ही लाभ है। अच्छे से रिवीजन कर लेना, सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।